पापली, एक रामकली, एक ओमपति। से हाय। अरे ये क्या आ रहा आ रहा। हाँ जी, राम राम जी सारे ने। तो कैसे होगा गाइस, स्वागत आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग में। आई होप सारे बढ़िया ही होंगे। मैं भी जमा बढ़िया हूँ। फिलहाल सुबह करा फरीदाबाद के अंदर, पुलिस लाइन के अंदर है भाई फरीदाबाद में, सेक्टर 31 में। और माहौल देख सको, रात ने बारिश हल्दी है, बहुत अच्छा व्यू भी है यहाँ का। मतलब जी लागण वाली जगह है प्रॉपर, पूरी तरह से मेरा तो लाग रहा है जी। अभी फिलहाल यहाँ से निकलेंगे भाई, जो रात का मिशन पूरा को नहीं हो पाया वो ईव करांगे फरीदाबाद कुंभ के मेला में। अभी जाओगे और देखांगे भाई क्या एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि पहला कभी कौन गए। अंचल और उसके फ्रेंड अंदर बैठी है, मैं उरे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने खातर बाहर आ गई। तो गाइज बस अभी 5-10 मिनट में निकला, 9:30 हो गए, 10 बजे की एंट्री है वहाँ की। तो फिर बस अभी निकला यहाँ से और बड़े रहना ब्लॉग में क्या रहेगा आज का। 2-3 जगह सोचा जाए वहाँ और फिर घर चले जावा टाइम से। तो यो हमने प्लान बनाया, देखा कितना सक्सेसफुल होगा कितना को नहीं हुआ। तो ब्लॉग में बने रहने देखना है तो आगे आता है, बने रही हो, कोई दिक्कत को नहीं। चलो भाई भी निकलते हैं ना, दो कर रेडी है। एक किडर लग गई इसकी, तो देख लो। तेंदुआ लग गए तो ये खोरांगी गाइस। हेलो देख गए लोग। चलो तो गाइस पहुंच गए हैं सूरज कुंड मेला के पास। आगे ऑटो जान को दे तो पीछे ही उतार दिया माने ऑटो वाले ने। अब थोड़ी दूर पैदल चलना है यहाँ से भाई, तो चलने लग रहे हैं पैदल। देखो कितनी दूर है, वो तो उनका 1 मिनट का रास्ता है, लेकिन देखो 1 मिनट का है, 10 मिनट का है, बाकी से भी पैदल ही जाओ यहाँ से। और पीछे ऑटो वाला ने रुकान लग रही है, तो हमने भी पैदल ही जाना पड़ेगा। हमारी कोई VIP एंट्री चलना नहीं, एंट्री तो फ्री में होगी भी, वो को लगे टिकट के पैसे को लगे, क्योंकि जानकार है जिनके यहाँ आए थे तो उनके सिस्टर है यहाँ पे पुलिस में, तो वो कर देगी। तो अभी चल रही हैं गाइस। तो गाइस आ लिए सूरजकुंड वाला मेला में, उठते शॉर्टकट रास्ता था पैदल वाला खातर, और चलन लग रही है। बाकी अभी कुछ कम भीड़ है, और यहाँ अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए हरियाणा वाले हैं, इन्हों गाते गाडे वाले के जमने छोरी गाना गाओ थे, फिर माम भी गा दिया बादरगढ़ का बम इसार का। चलो भाई चलो चलते हैं भाई, काफी बढ़िया चीज है देखने वाली, जहाँ से उठते पता चल रहा है वहाँ डांस वगैरह का कुछ चल रहा है, प्रैक्टिस वगैरह का, और चल रही है। ये देखो सेम टू सेम ड्रेस है इनकी सबकी, मतलब अलग 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 जगह से आए हुए हैं ये अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करने खातर, माया ब्लॉगिंग करने खातर। सही टाइम पाए हम फरीदाबाद ने, इसी से मौके हर किसी ने कोई मिला कर, और हमने मिल गया, बहुत अच्छी बात है भाई। घूमांगे फिरांगे देखांगे, फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा हमारा। तो देख लो भाई ये सेम ड्रेस कोड है इनका, खड़े यहाँ बाहर अभी वेट में है, क्योंकि अभी वो जो जानकार है तो अभी भेज रहे हैं किसी को एंट्री के लिए, तो देखते हैं क्या रहता है। गेट नंबर 3 पर खड़े हम। तो गाइज एंट्री हो चुकी है हमारी, तो अभी ये देख लो अपना हरियाणा, हरियाणा की संस्कृति का दिखा रखा है इसमें। पगड़ी बांध दो और फोटो खिंचवाओ, ऐसा पैसे का भी है इसमें। और उधर बैंड वगैरह का सिस्टम हो रहा है अपने हरियाणा वाले, तो अलग ही लागे पगड़ी वगैरह। यहाँ भाई अंग्रेज है कड़े के, इनसे बात करा के। चलने के हूँ बोल ले किसी अंग्रेजी ले, लेकिन इसका मुंह कौन पाटता। मैंने सिर्फ 2 लेना हुआ, हाउ आर यू वी आर आर यू तो वही हरियाणा वाले दिक्कत है कड़े के बिना नहीं एक देखता हूँ मुंह चढ़ता। हाँ सही कह, चल ताऊ और तो बात कर लेंगे, ताऊ तो बात करेंगे, ताऊ से बात कर ले। बोल ले भी कोनी है, बोल ले जल्दी मजे आवे, हमने भाई मजे ले वहां लगे अंग्रेज जाके। नहीं जने कई हो इनके के लिए बोल लेगी,
मेरे पे बोले कौन जा मेरे से मुझे नहीं आता। अरे तू थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आंदी होगी, चल नहीं बहुत ही है तू तो। ये बुरा आ रहा है इतनी दूर, इतना तो कर ही चुके हैं, थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगा ही चुके हैं। मना आइले मैं बोल रही हूँ ना, ध्यान कौन दिया, उनके समझ में कौन आया, इतनी तू बोल ले उनके के लिए। चल ना चलेंगे, चलो गाइस आज तो दिखाऊंगी आंटी। आहा आहा मान गए रे, दे लगाई जी कुकर ना चल लग रही अंग्रेज। ये दापली एक रामकली एक ओमपति चल अब इनसे बात करें। यह नलायक है, यह जमा नलायक चोरी है सच्ची में, इसने कोई ज्ञान को नहीं बोल जानी। ये देखो गाइस डांस कर रहे हैं, ले मैं करूंगी इनके साथ है। फोटो खिंचवाओगे ग्रुप फोटो? अच्छा ओनली टोपी दोगे भाई, और फोटो खिंचवानी है स्कार्फ सा देंगे हैं। हाँ ये दे यूनू देवगे बस, तो गाइस 50 रुपये लेगी आप, बात होली मारी गाइस दौड़ी गई। मैं क्यों इनके गले बोल ले, बोल दी कौन, तो अभी चल रही है कोई डांस की पार्टी, देखा ऑर्डर नाचांगे चलन लग रहा है उनके के लिए। नाची थी मैं देखी होगी ताने कर तो दे आप तो मारवे थी उनकी तरिया, गाना तो समझ में आओ कौन सा केक गाओ थी लेते हैं। सुबह वैसे ही चल पड़े थे तो यहाँ से पाव भाजी और पराठा अंचल को खाना है, मैं पाव भाजी तो अभी ले लेते हैं, फिर खाएंगे आराम से बैठ के। तो गाइस बैठे हैं तब जब तक हमारा खाना रेडी हो रहा है, और यहाँ ऐसे खाने का है बढ़िया रखा है सिस्टम, तो बढ़िया है सारा रेडी है, मजे भी आवे। बस यहाँ चल पाव भाजी हो चुकी है रेडी और आंचल लेके आ रही है, खा लेते हैं। सकल सूरत दिखाओ इसकी, 150 रुपया में यो दे है। एक ही दो फ्रूट लड्डू, हाँ एक उससे आगे वाली बटर स्कॉच, ये तीन ही ले लो। तो गाइस चॉकलेट बटर स्कॉच, अच्छा हो लाइक फुटबॉल जाम्बिया से, तो हाँ चलो अभी इनसे बात करेगी। चलो बस इसने आपके औकात दिखा दी हरियाणा राय, बोल ले बोलने में क्या जाया, नू तो तू खड़ी रे ऐसे नहीं बोलते इनसे, बोल चलिए एक्टर है एक्ट्रेस चमड़ा क्यों कुछ है, थाईलैंड के है तो अच्छा अच्छा सामान है, गर्ल्स आइटम्स है, रबर्स वगैरह।
ये सारे तोरे भी मिल जाए। सारे रबड़ है उड़े इनके पास ज्यादा तो। ये भी थाईलैंड के अभी कुछ ही इन भी है। नाच नाच के अभी इनका और देख लिया उरे थोड़ा सा नाच के और फिर निकल ही लेवा जो उससे और वहाँ काफी नाच लाग रहे हैं जो थोड़े वो अंकल गुड़िया उनके गिलो नाच ले आंटी डांस करे तू करांगे आई 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 रे ले भैया तू क्यों पहन के फरीदाबाद में पीछे पीछे फिर लग रही इसकी रील बनाने का तरज घट हो गए या बंदे टो गए नैनी कड़े लेके जाओगी मेरी रील बनाती है तो पैक पैक करे थी लिखड़े थे बाहर आ रही मैं करन लग गई चल कर देख ले चल मेरे वहां में जी कितनी की दूर गए कौन थे क्या तो तने भीड़ ची भीड़ भीड़ में बना लिखड़े जी निकला भाई मेड़ा में से घूम लिए 2 बज गए सुबह आए थे 10:30 बजे तो अभी जा रहे हैं क्योंकि हिसार भी जाना है भाई फिर लेट हो जाएंगे थक भी गए वैसे भी बहुत तो अभी निकलते हैं जाऊंगा तुझे मैं डोली में। तो गाइस मेट्रो स्टेशन आ गए तुगलकाबाद के मेट्रो स्टेशन पे यहाँ से मेट्रो लेंगे फिर देखते हैं आगे कैसे क्या रहेगा। गाइस अभी चल जाते हैं सीढ़ियों पे और थकावट हो गई है फुल थकावट हो गई है भाई
क्या रहता है जी भी कौन करे चालन का। और तो गाइस कश्मीरी गेट आ गया, अब यहाँ से बस मिल जाओगी तो बस पकड़ांगे और फिर जावांगे अंचलवारी। और ये खा लो स्वीट कॉर्न खा लो गाइस, अच्छे लगते हैं बाकी ये सर्दियों में खाने। तो अभी निकल लेते हैं यहाँ से फिर मिलते हैं आगे। तो गाइस बस मिल गई है हिसार की, 4 घंटा बच गए यानी कि 8 बजे। तो बैठते हैं तो गाइस बैठ चुके हैं बस में और अभी चलने वाली है 4 बजे, फिर देखते हैं कब पहुँचते हैं हिसार। तो लोगों में रहना ये देखो सनस्क्रीन लगान लग रही है मुँह धोखा ही इस पहुँच गया हिसार बस स्टैंड। और हमारी जो ट्रिप थी वो सक्सेसफुल रही, बढ़िया रहा सब कुछ। अब उरा भाई मिल जाएगा भैया अगर माना है तो फिर जाओगे। किसी ने ना चलन दी दे लो गाइस जिन्हों के शांति भंग हो मेरे व्लॉग से इसकी क्या तारी शांति भंग को नहीं होने दूंगे इसकी शांति भंग हो जाते लोग बुरे। तो गाइस भाई आन लग रहे माने लेने खातर और उसने हम किया था 8:30 माने ले जाइए, लेकिन उसका थोड़ा ध्यान करी तो वो चला गया। तो अब आधा रास्ता में तो वो वापिस आन लग रहे और हम चलते हुए पागलों की तरह सड़कों पे। तो गाइस बस फटाफट पहुंच जाएंगे घर। तो गाइस भाई आ गया था बाइक लेकर और हमेशा की तरह आज भी फाटक बंद था तो थोड़ी देर वेट किया और फिर हम चल पड़े घर की साइड। चल ये पत्तन सब की जातन वही दिल्ली से फरीदाबाद से हाँ सफर बढ़िया दिल्ली गए दिल्ली से हाँ तो बहुत बढ़िया रहा भाई बाबा की दया था। तो गराजा का ब्लॉग एंड करूँ फिर मैं ये हमारी पातन की गलियाँ हमारे गांव की हमारी मिट्टी जहाँ मेरा जन्म हुआ है जहाँ मेरा जन्म हुआ है या गली इस गली में मैंने बॉर्डर लगाया करता जब मैं छोटी होया करती, लेकिन ये कुल लगे तला क्या करता के तला क्या करता के डर इस गली में है। हाँ देखो ऐसे इस पे टांग देते हैं देखिए हाँ इंटर ना लगे तो क्या लगे और एक क्या उधर लगे क्या पता हो रही है देखिए आई किस उधर टांग रख के आई ये हमारे कुत्ते आ जाओ बेटा आ जाओ बेटा चिज्जी लाई है चलो मम्मी आ जा आ जा चलो भाई पहुंच गया प्रवेश द्वार। तो गाइस पहुंच गया घरा, अब खाना वाना खा ले वहाँ और मम्मी तो लेट रही है मेहंदी मुंदी लगा कर बैठी है और दीदी जा चुकी है घर हो रहा जमा खाली। तो अब खाली बन साफ हो रहा है साफ हो रहा है सही बात है छोटा टाबर हो जाए तो घर खराब सही हो गए। तो अभी फिलहाल पहुंच गया बढ़िया तरीके से तो ब्लॉग बता देना गाइस कैसा लगा और कोशिश करूँगी अब थोड़ा कंटिन्यू रखूँ भाई रख नहीं पाती क्योंकि कॉलेज होता है। तो लाइक कमेंट एंड शेयर तो सारा किम बोल लगे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय राम राम।